छतरपुर जिले के नौगांव विकास खंड अंतर्गत आने वाले लोगासी गांव में स्थित महाराजा छत्रसाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई में आवेदन देकर पंचायत के अधीन किए गए विद्यालय में संविलियन प्रक्रिया पूर्ण कराने की मांग की है। ग्रामीण राहुल अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों की शर्तों के अधीन अशासकीय अनुदान प्राप्त महाराजा छत्रसाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोगासी की समस्त चल अचल संपत्ति को जिला पंचायत के अधीन करते हुए प्रशासकीय नियंत्रण में किया गया था, लेकिन इसके बाद विद्यालय के संविलियन की कार्यवाही आज तक पूरी नहीं की गई है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी एम के कोटार ने ग्रामीणों के इस प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पहले उन्हें मामले की जानकारी उन्हें देनी चाहिए थी और जब वे कार्यवाही नहीं करते तब बच्चों को प्रदर्शन के लिए लाना चाहिए था। उन्होंने कार्यवाही का भरोसा ग्रामीणों को दिया है। समस्या ये है कि हमारे स्कूल जो लोगासी में महाराजा छत्रसाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में 56 विद्यालय थे जिसमें से 55 विद्यालय पूर्ण शासकीय संविलियन सब हो चुका है। मात्र एक स्कूल है वो है लोगासी का महाराजा छत्रसाल जिसका आज तक कोई संविलियन नहीं हुआ, वो भी 10 नंबर पे था। तो कैसा संविलियन चाहते हैं अभी, कैसा चाहते हैं? अभी वहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 टीचर वर्ष हैंगे जो अनुदान प्राप्त हैंगे, एडेड विद्यालय है वो, बाकी नहीं हैंगे कुछ। और पूरे आदेश वहाँ से कोर्ट से भी आ चुके हैं, तब भी नहीं हुआ है। आप क्या चाहते हैं, कहाँ पर आए हैं आप? हम आए थे अभी यहीं पे जनसुनवाई में कलेक्टर साहब के यहाँ पे, तो वहाँ पे विज्ञापन दे दिया है कि हमारे स्कूल को आवेदन दे दिया है कि जल्द से जल्द हमारा विद्यालय को, शिक्षा विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम जल्द से जल्द आपके विद्यालय को तुरंत करवाते हैं, कल से ही कार्रवाई चालू होगी।